मैं अपने एसेट्स लिक्विड रखूंगा, वरना तैरूंगा कैसे उनमें? लिक्विड? हाँ, मैं स्क्रूज को साबित कर दूंगा कि मैं कितना होनहार हूँ। आपकी जिंदगी में अब मौका आया है असली लक आजमाने का, मिस्टर मैकडक। अरे क्या बके जा रहे हो? आपका सारा पैसा मैंने लिक्विड बना दिया, जैसा आप चाहते थे। लिक्विड? कैसे? अरे तुमने मेरे पैसे तालाब में डुबो दिए। अरे तुम्हारी अक्ल क्या मारी गई थी गधे कहीं के? आप ही ने कहा था पैसा लिक्विड चाहिए, और टकपक तालाब में वो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। एक भी पैसा अगर गायब हुआ ना, तो मैं तुम्हें तालाब में डुबा दूंगा टेढ़िया बांध कर। $700,000,300,000,75,000,535,35,650 35 सेंट? Oops, 36। सारा का सारा है, पर हमें होशियार रहना चाहिए, किसी को कानो कान खबर न हो। हमें वायरलेस और कैंपिंग का सामान चाहिए डकवर। बहुत अच्छा सर। क्या पे जा रहे हो डकवर? सवाल ही नहीं, ये मिस्टर मैकडक के लिए है। क्या? वो हमारे बगैर जा रहे हैं? ठीक मास्टर लुई, ये भी कहा है कि तुम लोग यहीं रहोगे मिसेस बीकली के साथ, जब तक वो लेक डुबीगॉन से नहीं लौटे, समझे? ऐसा कहा है? हाँ हाँ, पर हम लोग ऐसे कहा को क्या करते हैं? अनसुना करते हैं। कोई भी नहीं दिखता। शेयरिंग का बोटिंग, मैंने देखा किसी को। तीन किसी को मेरा मतलब है। बीगल बॉयज, मैं उनसे निपटता हूँ सर, अभी पकड़ता हूँ। हमें छोड़ो। ये रहे बीगल बॉयज, इनकी आपको फिक्र थी मिस्टर मैकडक? ये बीगल बॉयज नहीं, मेरे भतीजे हैं। आप हमारी बजाय इस आदमी को साथ ले आए अंकल स्क्रूज। अरे बेटे, ये कैंप नहीं बस एक दिखावा है, असल में ये तो टॉप सीक्रेट है। तो फिर क्या हम प्रिटेंड करें कि हम कैंपिंग ट्रिप में आए हैं? Well, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। Yay! कोई भी नहीं, मजा आ रहा है ना बच्चों? नहीं, फिशिंग नहीं करे, स्विम नहीं करे, तो फिर क्या करे? एक आइडिया है, तुम लोग लेक के चारों तरफ जूनियर वुडचक्स की जाल क्यों नहीं बिछा लेते? यहाँ जाल में जरूर कुछ काला है, प्रिटेंड करो कि कुछ सुनाई नहीं और अपनी मस्ती करते रहो। हमारी सवारी निकल चुकी है। अब देखो तुम घूमते ही नहीं रह जाना। वो क्या शोर शराबा है? कुछ नहीं मिस्टर मिक्टी, यूं ही जरा सा हल्ला गुल्ला है, आप फिक्र मत कीजिए। लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे इन गवारों ने कभी चलती फिरती बिल्डिंग नहीं देखी ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तुम उस पहाड़ी से अभी कितनी दूर हो? लगभग एक घंटा, एक हाथ क्रैश की जरूरत। बस मैं जूम से चला रहा हूँ, लॉन्च पैड हो रहे ना? कहीं लॉन्च पैड मेरे तहखाने को कबर खाने में ना बदल दे। मैं जरा देख कर आता हूँ, तुम तालाब पर नजर रखना। आप यकीन नहीं करेंगे क्या क्या झेलना पड़ा इसको लाने में। शुक्र है एक ही पीस में है। बिग टाइम, मैं समझा नहीं, इस तहखाने को उड़ाने से माँ को खुशी कैसे मिलेगी? हाँ इसको उड़ा नहीं रहे हैं गधे, सिर्फ नीचे पहुँचा रहे हैं माँ के घर के पिछवाड़े में। ओ ठीक है बॉयज, चलो खेल शुरू। मैं करूँगा। अरे मर गए। मैं मरना नहीं चाहता।